जगतगाया थाना क्षेत्र के ग्राम चिपराड़ा में महिलाओं की आपसी कहासुनी को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। इस दौरान एक पक्ष ने घर में घुसकर दूसरे पक्ष की महिलाओं सहित परिजनों पर लाठी डंडों से ताबड़तोड़ वार कर दिया, जिससे दोनों पक्षों के करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जिन्हें घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घायल पिंकू ने बताया कि पड़ोसियों से जानकारी के अनुसार किसी बात को लेकर उनके घर की महिलाओं का विवाद हो गया। मामला शांत होने पर महिलाएं घर आ गईं। तभी बीती देर रात पड़ोसी पप्पू, रवि, विजय, रविंद्र सहित करीब एक से दर्जन अधिक लोग लाठी डंडे लेकर उनके घर आए और उन पर ताबड़तोड़ वार कर दिया। चीख पुकार मचने पर आज पड़ोस के लोग मौके पर पहुंचे, तब जाकर पड़ोसी वहां से फरार हुए। मारपीट में टिंकू, प्रहलाद, शीला, आशा व पिंकू के चोटें आई हैं, जिसमें प्रहलाद, टिंकू व पिंकू के सर में लाठी डंडे लगने से गंभीर चोट आई है। पीड़ित द्वारा संबंधित थाना पुलिस में घटना को लेकर शिकायत दर्ज करवा दी गई है। भाई हम चिपराड़े के रहने वाले हैं, भोपा जाते कुछ नहीं, हमारे मतलब औरतों की लड़ाई थी, थोड़ी देर तक लड़ाई चली, बंद भी हो गई। फिर उसके बाद में भाई हम सोने चले गए अपने अपने रूम में, तो हमने सोचा भाई चलो अभी बंद हो गई तो कोई बात नहीं है। करीब 11 बजे की बात थी, हम सभी सोए रहे थे कमरों में, तो बाकी वहां से आए थे कम से कम 15 बंदे पड़ोसी, 15 बंदा आए थे, सबों के हाथ में लाठियां थी। तो पहले तो मेरे पापा को खड़ा किया था उन्होंने, खड़ा हो। पापा ने बोला भाई जो भी मैटर है जो सुबह करेंगे, फिलहाल तो आप भी सो, हमें भी सोने दो। तो भाई एक ना सुनी मेरे पापे की और दह लाठी। एक पप्पू, जनसी, रवि, रविंदर, विजय सिंह, सूरज, काफी लोग थे। अभी फिलहाल मैं ही नाम थोड़ा सा। आपके कितने लोग घायल हुए? हमारे 5 हुए सर। क्या क्या नाम है उनके? पिंकू, पापे का नाम प्रहलाद, मम्मी का नाम शीला, मेरे घर से उनका नाम आशा, एक मेरा बड़ा भाई है पिंकू। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पिंकू। किस चीज से हमला किया उन्होंने? उन्होंने भैया लाठी डंडे, भाई हमारे पास कुछ नहीं था बस। हम गाँव का मामला ही ये हमारे ये बगड़ के तराया के पास में पड़ता है, चिपराड़ा भूपा बस्ती। थाना कौन लगेगा? थाना अपराध बगड़ के तराया ही है, पहले मेरिया था।